हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम्स की। तो देखिए, पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि फर्स्ट वी राइट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। देखिए, इसमें क्या होता है कि पैटर्न मैचिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट ए गिवन स्ट्रिंग पैटर्न पी अपीयर्स इन ए स्ट्रिंग टेक्स्ट टी। वी अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ पी डज नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ टी। अब इसमें क्या होता है, यानी पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम मतलब कि कोई भी आपके पास टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी टेक्स्ट है हमारे पास टी, और टी क्या है, हमने यहाँ पे लिखा कि से लखनऊ इज ए गुड सिटी। ठीक है, ये टी है। अब इसमें पैटर्न मान लीजिए हमें पैटर्न हमें पी क्या है, पी हमें ढूंढना है गुड। ठीक है, तो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम ये देखता है कि जिस पैटर्न को हम सर्च कर रहे हैं वो इस टेक्स्ट टी में प्रेजेंट है या नहीं। और इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो पी की लेंथ है, लेंथ ऑफ पी जो सब जिसको पैटर्न को हमें ढूंढना है, वो दैट शुड नॉट एक्सीड, और यू कैन से इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ टी। ये तो बट ऑब्वियस है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम होती है वो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। ठीक है, एक फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम और दूसरी होती एक होती है फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। ठीक है, और सेकंड होता है, दूसरी जो होती है दैट इज कॉल्ड सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। सेकेंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। तो ये दो एल्गोरिथम हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम कैरेक्टर्स आर समटाइम्स डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स एंड एक्सपोनेंट्स मे बी यूज टू डिनोट रेपिटेशन। मतलब अभी जब हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसमें हो सकता है कि ये आप ध्यान रखिएगा इसको, या रिमार्क कह लीजिए या नोट कह लीजिए, आगे जब हम पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम की बात करेंगे तो उसमें हम कैरेक्टर्स को हम स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा, देखिए स्मॉल केस का यूज किया हुआ है, स्मॉल केस लेटर्स का। और जो एक्सपोनेंट है, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ए क्यूब बी स्क्वायर सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रिंग क्या हुई, ये हुई ए ए ए बी बी सी। तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि कैरेक्टर्स आर समटाइम्स डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स एंड एक्सपोनेंट्स मे बी यूज टू डिनोट रिपीटेशन। ठीक, अब इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, ये तो ये इस तरह हुआ। अब हमने कहा कि मान लीजिए हमने कहा कि इस तरह है सी डी की पावर क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, सी डी सी डी सी डी। अगर ये हमने कहा इस तरह है सी क्यूब डी क्यूब, इसका मतलब ये हुआ सी 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 देन डी डी डी। तो इस तरह से नोटेशन यूज करते हैं। अभी हम जब एल्गोरिथम फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे और सेकंड मैचिंग। अच्छा, इसके अलावा और ध्यान रखिएगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है, द एम्प्टी स्ट्रिंग मे बी डिनोटेड बाई एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम दिखाते हैं ऐसे, दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग। ये एक्चुअली ग्रीक लेटर है, दिस इज लैम्डा, दिस इज द ग्रीक लेटर लैम्डा। और जो कॉन्केटिनेशन होता है स्ट्रिंग का, एंड द कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एक्स एंड वाई मे बी डिनोटेड बाई एक्स डॉट वाई और सिंपली एक्स वाई, यानी
कॉन्केटिनेशन क्या होता है ये तो हम लोग ऑलरेडी लेक्चर में देख चुके हैं, कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, या तो हम एक्स इंटू वाई ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ अजम्पशन ध्यान रखिएगा, अभी आगे भी जब हम लोग आगे अभी पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो उसमें यह भी काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पहले फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम की। तो देखिए इसमें क्या होता है, अब हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट पैटर्न मैचिंग इसमें देखिए क्या होता है, द फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम इज द ऑब्वियस वन इन विच वी कंपेयर अ गिवन पैटर्न पी विद ईच ऑफ द सबस्ट्रिंग्स ऑफ एस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंटिल वी गेट ए मैच। ठीक है, मतलब अगर हमने कहा कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई टी है टेक्स्ट, उसके टी कोई स्ट्रिंग है, उसके जो भी सबस्ट्रिंग बन सकते हैं उन सबको हम कंपेयर कराते हैं पैटर्न पी से, और कैसे कंपेयर कराते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब तक कि हमको मैच नहीं मिल जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए लेट डब्लू के, डब्लू के क्या है, ये है हमारा सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग किस कहां से लिया है हमने, टेक्स्ट टी से, किस पोजीशन से उठाया है, केथ पोजीशन से, और उसकी लेंथ कितनी है, कितने कैरेक्टर हमने उठाया, तो हमने लिख दिया लेंथ पी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट डब्ल्यू के डिनोट द सबस्ट्रिंग ऑफ टी हैविंग द सेम लेंथ एज पी एंड बिगिनिंग विद द kth कैरेक्टर ऑफ टी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वी कंपेयर पी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर with the first substring w1, if all the characters are same then p equal to w1 and so p appears in t and index tp equal to 1 aa gaya. Fir uske baad on the other hand suppose we find that some character of p is not same as the corresponding character of w1 then p is not equal to w1 and we can immediately move on to the next substring w2. फिर W2 से भी हम यही काम करते हैं, अगर मान लीजिए W2 उसके कंपेयर नहीं P के बराबर नहीं आता है तो फिर हम W3 पे चले जाते हैं। तो जो भी W के जो स्ट्रिंग है उसके जो सब स्ट्रिंग है W1 W2 W3 उसमें हम करेक्टर बाई करेक्टर P को लेफ्ट टू राइट मिलाते हैं, और जैसे ही मिसमैच होता है मान लीजिए शुरू के तीन करेक्टर मिल गए चार मिल गए, जैसे ही पांचवा मान लीजिए करेक्टर मिसमैच हुआ हम उस सब स्ट्रिंग को छोड़ के अगली सब स्ट्रिंग को कंपेयर करने लगते हैं, जब वहां पे मिसमैचिंग होती है फिर उसको छोड़ के अगली सब स्ट्रिंग को कंपेयर करने लगते हैं एंड सो ऑन। द प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन वी फाइंड ए मैच ऑफ पी विद सम सब स्ट्रिंग डब्ल्यू के एंड सो पी अपीयर्स इन टी एंड इंडेक्स टी पी इक्वल टू के। तो अब ये जो प्रोसेस होता है हमारा ये दो ही कंडीशन में रुकता है, ठीक है, मतलब डब्लू टी के जो सब स्ट्रिंग्स हैं वो क्या है डब्लू वन, फिर हमने कहा डब्लू टू, फिर हमने कहा डब्लू थ्री एंड सो ऑन। अब इस पी को हम मैच कराते हैं इसके साथ, तो पी को हम मैच कराने करेक्टर बाई करेक्टर करते हैं, इससे जहां तक मिलता है ठीक है, जैसे ही मिसमैच होता है इसको छोड़ के फिर हम इस पर चल जाते हैं, इससे कराते हैं, यहाँ पे जब तक कैरेक्टर मैच कर रहा है ठीक है, नहीं मैच कर रहा है फिर इसको छोड़ के इस पे चल जाते हैं एंड सो ऑन। ये गाड़ी ऐसे चलती रहती है। अब तो चलती रहती है तो रुकती कब है, रुकती तब है जब या तो पहला केस ये है कि जो हम पी मैच करा रहे हैं वो पूरा पूरा किसी भी डब्ल्यू के से मैच कर गया, ठीक है,
तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि साहब इंडेक्स इंडेक्स टीपी, हमें लोकेशन पता चल जाएगी कहाँ पे है, क्या पोजीशन पे है, ठीक है। हमें जो पैटर्न ढूंढ रहे थे वो मिल गया, और कहाँ पे है उसकी लोकेशन पता चल गई। एक तो तब ये प्रोसेस रुक जाएगा। दूसरा केस क्या है कि व्हेन वी एग्जॉस्ट ऑल द सब स्ट्रिंग विद नो मैच एंड हेंस पी डज नॉट अपियर इन टी, मतलब हमने W1, W2, W3 जितने भी सब स्ट्रिंग हैं, मान लीजिए WN तक है, सबको मैच कराया बारी बारी से, लेकिन कहीं पे भी P को हमने मैच कराया, इससे इससे भी नहीं मैच हुआ, इससे ये भी नहीं मैच हुआ, इससे ये भी नहीं मैच हुआ, और ऐसे करते करते किसी से नहीं मैच हुआ, तो भी ये प्रोग्राम रुक जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू मैक्स ऑफ द सबस्क्रिप्ट के इज इक्वल टू लेंथ टी माइनस लेंथ पी प्लस वन। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ टी माइनस लेंथ ऑफ पी और प्लस वन, ठीक है। तो इस तरह से हम पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम जो है काम करती है। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एल्गोरिथम लिखने के बाद और फिर एग्जाम्पल से उसे आपको समझाएंगे भी। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।